दुर्योधन ने क्यों छीन लिए थे भीष्म से महाभारत में वो 5 तीर, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरव को हराया था, लेकिन यदि दुर्योधन एक गलती नहीं करता तो युद्ध का रिजल्ट उल्टा ही हो सकता था। प्रचलित मान्यता के मुताबिक कौरवों की सेना को हारते देखकर दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर पूरी शक्ति से युद्ध नहीं लड़ने का आरोप लगाया। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि आप पांडव से प्रेम करते हैं और उन्हें ही जिताना चाहते हैं। ये सुनकर भीष्म पितामह बेहद नाराज हो गए। तब भीष्म पितामह ने मंत्र की शक्ति वाले 5 सोने के तीर लिए और दुर्योधन को कहा कि कल वे इन तीरों से पांडवों का अंत कर देंगे। दुर्योधन ने भीष्म की बात को मजाक माना और भीष्म से तीर लेकर कहा कि सुबह युद्ध शुरू होने तक वे तीर अपने पास ही रखेंगे। भीष्म के पांडव को मारने वाले तीर तैयार करने और वे दुर्योधन के पास होने की जानकारी भगवान श्री कृष्ण को मिली तो वे चिंता में पड़ गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाकर दुर्योधन के पास जाने को कहा और गंधर्व से उनकी जान बचाने के बदले कुछ भी मांगने की उसके वादा को याद दिलाने को कहा। अर्जुन ने दुर्योधन के शिविर में जाकर उसे वादा याद दिलाया तो दुर्योधन ने थोड़ी देर सोचने के बाद उसे अपनी मनचाहा चीज मांगने को कहा। दुर्योधन के वचनबद्ध होने पर अर्जुन ने उनसे कहा कि मुझे वो 5 तीर चाहिए जो भीष्म पितामह ने तैयार करके उसे दिया। दुर्योधन जानता था कि तीर देने पर वह पांडव को मारने और युद्ध जीतने का मौका गवा देंगे, फिर भी उसने अर्जुन को 5 तीर दे दिए। अर्जुन के तीर लेने पर युद्ध का नजारा ही बदल गया। पांडव ने कौरव सेना के सभी दिग्गज योद्धाओं को हराते हुए 18वें दिन युद्ध जीत लिया। इस बारे में आपका क्या विचार है कमेंट करके हमें बताएं और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।